सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी रश्मि मैम। मैं आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो आइए जानें विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आओ इस चित्र के द्वारा समझें। हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं। हाथी शाकाहारी और शेर मांसाहारी जानवर है। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखने व पढ़ने पर पता चलता है कि प्रेम और घृणा तथा शाकाहारी और मांसाहारी विपरीत गुण और स्वभाव के प्रतीक हैं। जैसे घृणा यानी नफरत, प्रेम यानी प्यार, वैसे ही शाकाहारी यानी शाक सब्जी खाने वाला और मांसाहारी यानी मांस खाने वाला। आओ कुछ और उदाहरणों से समझें। जैसे बंद का उल्टा खुला, गरम का उल्टा ठंडा, ऊपर का उल्टा नीचे और छोटा का विपरीत बड़ा और सुखी का विपरीत दुखी। आइए कुछ विलोम शब्दों को ध्यान से पढ़ें। जैसे महंगा सस्ता, प्रकाश अंधकार, प्रेम घृणा, दिन रात, पक्ष विपक्ष, अपना पराया, आशा निराशा, सुख दुख, सम्मान अपमान, आदर निरादर, आदान प्रदान, प्रश्न उत्तर, स्वर्ग नरक, उधार नकद, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, आगे पीछे ऊपर नीचे, हानि लाभ, उपकार अपकार, यश अपयश, सच झूठ, बैठना उठना, गुण दोष, मित्र शत्रु, कोमल कठोर। आओ जाने कुछ उपसर्ग से बने विलोम शब्द। अब उपसर्ग से बने वाले विलोम शब्द इस प्रकार हैं। मान अपमान, उपकार अपकार, उत्कर्ष अपकर्ष, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति। अब उपसर्ग वाले कुछ विलोम शब्द। स्वस्थ अस्वस्थ, हित अहित, चर अचर, सुर असुर, ज्ञान अज्ञान, चल अचल, चेतन अचेतन, गोचर अगोचर, न्याय अन्याय, शांति अशांति। अब देखें वि उपसर्ग वाले कुछ विलोम शब्द। सम
विषम, क्रय विक्रय, पराजय विजय, स्वदेश विदेश, सफल विफल, आकर्षण विकर्षण, संयोग वियोग, समर्थन विरोध। ये थी कुछ शब्दों की सूची। इन सूची से कुछ आप अभ्यास कार्य करें, फिर हम लोग अगली कक्षा मिलेंगे। धन्यवाद।